या अल्लाह, आजमाइशों के काबिल नहीं हैं हम, बस अपनी रहमतों से नवाज दे। आगाज़ में अल्लाह कुछ ऐसे चीज़ें ज़रूर मुश्किल बनाता है, मगर अख्ताम हमेशा वैसे ही करता है जैसे तुम चाहते हो। तो अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह ताला के फजल से, करम से और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो प्यारे व्यूअर्स, आज मैं सुबह का नाश्ता बनाने लगी हूँ, तो चलें फिर आपके साथ मैं अपना सुबह का नाश्ता शेयर करूँ। यहाँ पे मैं आई हूँ आज पार्लर में, तकरीबन एक वीक के बाद पार्लर में इंटरव्यू हुई हूँ। पार्लर में काफ़ी ज़्यादा डस्ट पड़ी हुई है और सफाई भी होने वाली है, चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं जो कि मैंने अभी साफ़ करनी है, तो झाड़ू मैंने दे ली है। तो उसके बाद घर में एक टेंशन चल रही है जिस वजह से मैं ना मुकम्मल तौर पर भी लोग नहीं बना रही, इसके लिए माजरत चाहती हूँ। तो चलिए फिर सफाई करती हूँ और आप लोग। डस्टिंग जो है वो मैंने कर ली है और मिरर साफ कर रही हूँ। काफी दिनों से ना ये डस्टिंग नहीं हुई। प्यारे व्यूअर्स, मैंने जो है वो डस्टिंग कर दी है, पूरे पार्लर की सफाई हो चुकी है। और अब ये ट्राई बोर्ड मैंने यहाँ पे रखा हुआ था, ये देखिए ट्राई बोर्ड मैंने यहाँ पे रखा हुआ था, तो ये मैं उठा के तो ये देखिए पर्दे की बैक साइड पे रख रही हूँ। तो ये कुछ पिक्चर जो है वो नीचे गिर गई थी, तो ये भी मैं रख रही हूँ इधर। प्यारे व्यूअर्स, आप सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई के लिए दुआ करें, मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है क्योंकि मेरे भाई को काफ़ी ज़्यादा चोट आई है, तो अल्लाह पाक जो है ना उसको जल्दी जल्दी शफा दे, सेहत याबी दे। तो चलिए फिर इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, फिर मिलेंगे किसी अच्छी और खूबसूरत सी बात और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।